पाँच साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे खाने के लिए मचल गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया, 10 रुपए के 8 दिए साहब। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 5 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की जरूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है, 10 रुपए तो बस के किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। ये सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया और बोली, अरे अब चलो भी पापा, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़कर भी खा सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे मचल पाएगी या नहीं, तब आप भी तरसोगे बिटिया की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के शब्द थे तो चुभने वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उन्होंने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। ससुराल वालों ने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे, पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब ये संभव नहीं है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज से पापा की तंद्रा टूटी। गोलगप्पे वाले से बोले, रुको भाई 2 मिनट। पास ही में किराने की दुकान थी जहाँ से उन्होंने घर के लिए जरूरत का सामान खरीदा था। वे तुरंत उस दुकान पर गए और खरीदी गई 5 किलो चीनी में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। ये सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और उसने पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उसकी हर इच्छा जरूर पूरी करे, कोशिश करे उसे हर संभव खुशी देने की, क्या पता शादी के बाद उसकी कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये बेटियां भी कितनी अजीब होती है, जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है, सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती, बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत खुश होती है। भूल जाती है कुछ पल के लिए पति और ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में, एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती है ये बेटिया। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटिया, क्योंकि बेटियों का एक भी आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटिया, कितनी नटखट है ये बेटिया, भगवान की अनमोल देन है ये बेटिया। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दे, उन्हें कभी भी न रुलाए, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। ईश्वर से प्रार्थना यही है कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही वो मायके में हो या ससुराल में। खुशकिस्मत है वो लोग जो बेटी के बाप है, उन्हें भरपूर प्यार दे, दुलार करे, और यही व्यवहार अपनी पत्नी के साथ भी करे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है जो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आपके साथ पूरी जिंदगी बिताने आई है। उसके पिता की सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ आपसे है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। डाउनलोड मौज।